मेरे ख्याल में हाई कमान जो बीजेपी है या जो भी है जिन्होंने ये खेल खेला है, तो उनको तो 89 तक शायद गिनते 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 वो 90 तक नींद आ गई होगी या कोई कोई बात आ गई होगी। मेरा कोई दर्द ही नहीं, सच्ची है कहता हूँ, मैंने कभी दर्द फील ही, दर्द तो उनको होगा जब रिजल्ट आओगा 8 तारीख को, मेरे को क्या दर्द है। खाली मेरे टिकट की बात नहीं थी ना, और भी भाई हम 10-12 साथी हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत की थी। पूत के पाँ पालने में दीख जाकर दादा समय शर्मा जी सुन ले, एक दादा वो है जो बाहर का लिया है, एक दादा हमारा, हम तो ब्राह्मण ने दादा बड़ा दर्जा हुआ है। तो इनकी तो जम से नेता है जावे थे ना सफेदों वाले, उनका नहीं घूर घूर के देखे जैसे कि हमने इनके कोई खेत में डांगर बैठ रखे इनके। वो तो वो भाई सबको पीड़ा है शर्मा जी, वो तो उसके भी दौरे नहीं जा रहे जिन्हें टिकट मिल रहे, वो मेरे दौरे तो क्या हुए थे। इन कैसे बीच में जावेंगे फराटे ठाते हुए हैं, तो ये जाओगे 2005 में भी ऐसे गए थे, बाहर के आदमी को कभी स्वीकार नहीं करता। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफीदों में। सफीदों में कल पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बच्चन सिंह आर्य का नामांकन था, उनके नामांकन के बाद से चर्चाएं बड़ी हो गई है कि क्या सफीदों में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से नामांकन में भीड़ उमड़ी उसके बाद से जो समीकरण सोचे जा रहे थे उन समीकरण में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं इसको एक चुनौती के तौर पर लेंगे। हालांकि अब इसके बाद सभी के सभी जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नामांकन है, लोगों की नज़र ये रहेगी कि क्या वो बच्चन सिंह आर्य के द्वारा जो भीड़ जुटाई गई है उसको क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल अब नामांकन की भीड़ भी तय करने वाली है। बच्चन सिंह आर्य मेरे साथ हैं। आर्य साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल जिस प्रकार से भीड़ जुटी, पूरे हरियाणा भर में चर्चाएं होगी कि शायद बीजेपी ने गलती कर ली बच्चन सिंह आर्य को टिकट ना दे करके। बात वो तो बीजेपी की गलती या बिना गलती की कोई बात नहीं है, उनको तो ध्यान ही नहीं ना कि ये 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। मेरे ख्याल में हाईकमान जो बीजेपी है या जो भी है जिन्होंने ये खेल खेला है, तो उनको तो 89 तक शायद गिनते 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 वो 90 तक नींद आ गई होगी या कोई कोई बात आ गई होगी। खाली मेरे टिकट की बात नहीं थी ना, और भी भाई हम 10-12 साथी हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत की थी, जिन्होंने यहाँ से 2 बार MP जिताए हैं, तो उन किसी की तरफ भी ध्यान कर लेना चाहिए था। शायद उनके ध्यान नहीं रहा कि सफेदों हल्का भी कोई ऐसा है कि हमें उस पर भी गहराई से चिंतन करके वहाँ के पैदा कियों का उनको संभालना चाहिए। वो मेहनती हैं, सच्चे सुच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमेशा साथ दिया है, और ऐसे आदमियों को भेज देना, थोप देना जब कोई भी पार्टी के प्रोग्राम का संदेश आवे, जब यही स्थानीय लोग करते हैं, और जब कोई भी MP या विधानसभा कोई बात आवे तो ये लोग सारे मिलकर करते हैं। और अब जिनको भेजा उनका तो जब चुनाव लोकसभा का चल रहा था, यहाँ तो 5,500 वोटों से जिता दिया मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर के, जो 10-12 टिकटार्थी थे, तो उनके तो ध्यान नहीं रहा कि सफेदों हल्का भी कोई हरियाणा में है। बस स्थितियाँ आपको क्या लगती है, कोई पार्टी की मजबूरी आ रही होंगी या फिर वो आप वाली बात है कि जब तक 90 का नंबर आया सो गए? सतदेव जी, बस वो उनके मन की वही जाने, सोने की बात है कि ये सीट बीजेपी की क्लियर हो सकती थी किसी अच्छे आदमी को, स्थानीय को टिकट देते। अब उन्होंने हौसला मार दिया सभी का, ये तो नई अंगड़ाई ली है फिर लोगों ने, मैंने नहीं, यहाँ 1,500-2,000 आदमी रात के 2 बजे तक यहाँ पर वो करता रहा कि जी कोई नहीं अच्छा हो गया, जब उनके अंदर आदर सत्कार प्यार अपनापन करने की कोई बात ही नहीं, जब सफेदों के वोटर्स को और सफेदों की जनता को और सफेदों के कार्यकर्ताओं को अपने दिल में जगह नहीं उनके में, तो छोड़ो अब हमने उनको वो बात ही नहीं कि वो टिकट दें और हम उनका नहीं लेंगे। आप एक बार बार स्थानीय वर्कर्स की, नेताओं की बात कर रहे हैं, एक तो ये हो कि आप उनके दर्द को अपने दर्द में शामिल करके अपने साथ शामिल कर रहे हो, या फिर लगता ही है कि भाई किसी और को भी टिकट मिल सकती थी? मेरा कोई दर्द ही नहीं, सच्ची है कहता हूँ, मैंने कभी दर्द फील ही, दर्द तो उनको होगा जब रिजल्ट आओगा 8 तारीख को, मेरे को क्या दर्द है। जिन्होंने भूल की गलती की, सारी जींद की
सफेदों से मेरे को दर्द नहीं है, दर्द उनको होता जिनके पास खाली टिकट का सहारा हो। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं इसमें कि क्या किसी और को जो बीजेपी में काम कर रहे थे टिकट मिल जाती, बचन सिंह आर्या उनका साथ देते? खूब साथ देता, मैंने कह रखा था भाई किसी को भी दे दो, ऑन रिकॉर्ड है। तो उस समय सभी साथी सभी भाई किसी को दे देते हमारे आदमी को, तो मुझे क्या पीड़ा थी, फिर मैं चुनाव क्यों लड़ूं था, लड़ता तो हल्का पड़ जाता मैं। टिकट अनाउंसमेंट से पहले आपको आभास हो गया था, क्योंकि आप भी राजनीति के इतने से तो पंडित हो ही गए हैं कि पता लग गया पहले एक भी टिकट नहीं आ रही है। पूत के पाँ पालने में देख जाग रहे दादा, समय शर्मा जी सुन ले, एक दादा वो है जो बाहर का लिया है, एक दादा हमारा, हम तो ब्राह्मण ने दादा बड़ा दर्जा हुआ है, सदैव शर्मा है भाई। तो वो जो पूत के पाँ पालने में देख जाए, इतना मन पता नहीं रखे कि इनकी नज़रें कैसी थी वहाँ। तो वो जो सफेदों वाला कोई जावे था तो वो हेरफेर सी करके दूसरों का नहीं ध्यान कर ले। मैं कहता हूँ भाई क्यों खड़े हो तुम, मैं तो एक बार मिल कहा था जब भी पछाण लिए थे मैंने, जो कर काठड़ू भैंस ने पछाड़ने आया मिलेगी कि नहीं, उनकी नज़रों से पता लग जाता है काठड़ू को। शाम को भूख भी लग रही और भैंस को भी ये हो रहा कि थनों में जोर हो रहा है, मगर वो कड़वी कड़वी देख रही है। वो भैंस वाला तो उसको दिखावेगा कि तुम आगे जाओ, आगे जा, हमें भी दूध चाहिए, थोड़ा दूध उतरवा दे। काठड़ू नज़दीक नहीं लगता क्योंकि उनकी नज़रों से पता लग जाएगी या लात मारेगी। तो इनकी तो जब से नेता है जावे थे ना सफेदों वाले, उनका नहीं घूर घूर के देखे, जैसे कि हमने इनके कोई खेत में डांगर बैल रखे इनके, कोई सत्कार बात जिनको टिकट देने थे उन्हें बुलाओ जी बैठो जी क्या बात जी। मैं बोला रे थरताओ जी नहीं कहते अपना जाओ, मैं तो एक एक बार मिलकर उनके नमस्ते प्रणाम कर कर अपना आ गया था। बोले दिल्ली नहीं जानते, मगर दिल्ली में भी कुछ नहीं धरया थारे पे, तो फालतू जो कहीं भी फिट नहीं हो सकता ना उसको थोपेंगे। तो इसलिए सारे भाइयों को उनको पीड़ा है, मेरे को पीड़ा तो क्या, कल 10,000 आदमी इकट्ठे हो रहे थे, सारी मंडी ठुकरी थी। ये हमारे प्रधान जी हैं राजकुमार मित्तल जी, अगवाणी होकर के बारिश में राम बरसते हुए मैं भी कई हजार लोग हिले नहीं पूरे। भीड़ की तो चर्चा है, पर इसमें साथ में ये भी चर्चा है कि जो आपके दूसरे साथी आपके साथ टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, वो आपके साथ आए हैं? वो जिस तरह टिकट आप जैसे कहते हैं कि मैं उनका साथ देता, क्या वो भी साथ दे रहे हैं? वो तो वो भाई सबको पीड़ा है शर्मा जी, वो तो उसके भी दौरे नहीं जा रहे जिन्हें टिकट मिल रहे, वो मेरे दौरे तो क्या हमें थे। वो उन्हें अगर पार्टी में रहना है, मुझे उन भाइयों से कोई गिला नहीं, वो पार्टी में रहे और वो मेरे पास आना, तो वो होगा ना जो पूरी तरह से पार्टी को अलविदा कहेगा। पार्टी क्या उन लोगों को कि जिन्होंने कदर नहीं की, वह नहीं आज का बहुत सुर में है जो ये बैठे हैं हमारे, ये सुर में तो बैठे हैं, इतनी भीड़ है सुबह से यहाँ तक वो आते हैं। मैंने मेरे साथ जो आएगा वो आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जनता मेरे साथ है, उनके प्रति भी मुझे हमदर्दी है कि मैं तो चुनाव लड़का अपना संतुष्टि कर रहे हैं और ये जीतेंगे, इन कैसे बीच में जाएंगे फराटे ठाते हुए हैं। तो ये जाओगे 2005 में भी ऐसे गए थे, बाहर के आदमी को कभी स्वीकार नहीं करता ये लगा। इसलिए चुनाव में इस चुनाव में क्योंकि आदमी को शुरुआत में ही पता लगना शुरू हो जाता है कि अब की बार होने वाला क्या है, कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? बस पीछे यूँ फर्क था, पीछे हम बंद रहे थे, बीजेपी का टिकट था, सिख समाज नहीं चाहता कोई कारण कुछ बात उसको वोट देना, हमारे रविदासिया समाजियों को भी दिक्कत थी, अग्रवाल समाज भी व्यापारी भी भिन्न था, किसान वर्ग भी भिन्न था और वर्ग भी भिन्न थे। अब तो पंख खुल रहे हैं इनके, अंतर ही है सारा। अब वो टिकट छोटा था और अच्छा हो गया ये टिकट नहीं मिला, कल मुझे टिकट मिला है, वीडियो में दिख रहा है, भारत ने पता होगा ना कितना पटा था, टीवी में दिखा रहे थे ना जनता का टिकट उन्होंने ला के दिया, पूरी जनता की भीड़ ने मेरे को दिया, मैंने उसको माथा लाया जनता का टिकट। अब ये इतना तो अंतर है, वो छोटा है कागज़ पर था और यूँ जनता के 60,000 लोगों ने 62,000 लोगों ने मुझे कल दिया है, उस पर उनके दस्तक थे, इस पर जनता के दस्तक थे, उन्होंने सामने आकर के टिकट दिया। अब ये जनता का टिकट है, जनता चुनाव लड़ेगी, अपने टिकट को जनता क्यों ढील होने देगी, वो अपना जोर लाए, उनके तो यहाँ जिनने वो टिकट दिया उनके तो वोट भी को नहीं है कोई से के भी, यहाँ न जिनने भी टिकट दिया उनके तो 2 लाख वोट हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम सारे भाई एक हैं, उनको सब ने जोर लगाते हैं। अभी आपके सामने चुनाव मैदान में 3 लोग तो फाइनल हैं, दादा गौतम हैं बीजेपी से, सुभाष देसवाल हैं कांग्रेस से,
और जसबीर देसवाल भी चुनाव मैदान में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने 11 तारीख को नामांकन की बात कही। टक्कर किससे मानते हैं? मैं कभी टक्कर मारता ही नहीं, मैं क्यों सिर फड़वाऊं भाई कहीं नहीं, सारे मेरे भाई हैं। सुभाष देसवाल भी बढ़िया सा मामले में कौन दिक्कत लगता है? जसबीर देसवाल भी हमारा भाई और गुआंडी है, सारे साथी और भी 5-7 अभी तो आएंगे, 2-3 पार्टियाँ हैं वो भी हमारे भाई हैं, फ्रेंडली मैच है, जो जीत जाएगा वो 5 साल सेवा करेगा, कोई 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 नहीं टक्कर और उसकी तो कोई बात नहीं। हम राजनीतिक आदमी हैं, हमें अपने आपस में प्यार से चुनाव लड़ना चाहिए और बड़े प्यार से लड़ेंगे, टकराने की तो बात नहीं। एक इधर से वोट मांग कर राम राम करके हम क्रॉस करके दूसरी जगह वोट मांग ले, सारे आपस में यही करते हैं। क्योंकि भजन सिंह का चुनाव तो पहले बड़ा अग्रेसिव वोटर रहता था, भजन सिंह के लिए कुछ भी, अब की बार आप पहले संदेश दे रहे हैं शांति से चुनाव लड़ेंगे? हमेशा मैं शांति प्रिय हूँ, और भाई कोई छेड़े तो फिर तो क्या करें, देखो ये तो मैं कभी पहल नहीं करता, मैं बिल्कुल परमात्मा को मान के चलता हूँ, कोई थोड़ा बहुत छेड़ा वो भी मजाक के छेड़ने से हुआ है, हमारे ये हमारे कोई वैसे नहीं होते। गौतम चर्चित चेहरा तो है हरियाणा का, अब की बार आपके सामने चुनाव मैदान में, तो कैसे देख? बिल्कुल चर्चित मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ चर्चा हो रही है, बोला थरा बीज मुरा कर चर्चित नहीं है तो क्या है ये, पता नहीं कैसे, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे उनको, चर्चित हैं मगर चर्चित में भी अच्छे कामों में रहना चाहिए, ये तो हम सबको दुख है, कोई उनको वोट देगा ना 5-4 हज़ार, कोई 5-4 हज़ार 5-7 हज़ार कोई वोट, उनका कोई पर्सनल नहीं कहता जो बीजेपी के वोट नहीं है, दादा को तो फंसा दिया यहाँ बेचारे को, एक भले आदमी को, वो अलग बात है, लोग कह रहे उरे हज़ारों वायरल हो रहे कि भाई उनने ये बोल दिया, भाई 82-84 साल की उम्र है, जब हो जा करे भूल चूक हो जा करे भाई, नहीं होनी चाहिए थी, मगर ये तो बीजर वो तो नहीं है, वो तो सबका, मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे को वोट नहीं देता, जो मुझे वोट नहीं देगा और जो मेरे को देगा, परमात्मा करे सबके घरों में खुशहाली हो और उनका वंश वृद्धि हो और तरक्की उन्नति और हर तरह से विकास हो, मेरे को बिना वोट देने वाले की भी तरक्की हो, उनका भी औलाद बढ़े पूरी तरह से, किसी का बीज नष्ट क्यों हो, परमात्मा सबका तरक्की विकास, बच्चे सबके सुखी रहें, मैं तो उनके लिए भी सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता हूँ और दिल से कहता हूँ। बिल्कुल, पूर्व मंत्री बसंत सिंह आर्य मेरे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और दबा के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मुझे जनता की टिकट मिली है। खैर अब देखना होगा, क्योंकि जब चुनाव होता है वो जनता की अदालत में ही निर्णय किया जाता है, अब की बार जनता किसके लिए फैसला करती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।